चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एग्जिट पोल्स जारी होने के बाद फर्जी पत्रकारों और बड़बोले राजनेताओं पर कटाक्ष किया है। ये कहते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बेकार की चर्चाओं में अपना समय नष्ट न करें। जारी एग्जिट पोल की जो भविष्यवाणी की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता संभालेंगे, इस आम चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के भारी बहुमत से जीत हासिल करने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि नहीं है। एग्जिट पोल पर प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पोस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपने कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिए। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का यह दावा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में 303 के आसपास सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल के जारी होने से पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जो, या कह लीजिए बीजेपी की नेतृत्व की जो एनडीए है उसके प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा था कि मेरे हिसाब से बीजेपी इस बार कुछ अच्छे नंबरों के साथ वापसी करेगी, मुझे सीटों की संख्या में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है, पार्टी का पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में अच्छा समर्थन दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया था कि दक्षिण में बीजेपी की सीटों और वोट शेयर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार से नाता रखने वाले चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कई सारे इंटरव्यूज में, कई बातचीत में यह दावा किया था कि केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार के साथ न तो कोई खास असंतोष है और न ही कोई मजबूत विकल्प है जनता के सामने। प्रशांत किशोर ने बताया था कि बीजेपी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास और बढ़ा दिए हैं। कई एग्जिट पोल्स में यह दावा किया गया है कि बीजेपी तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोल लेगी और कर्नाटक में एक तरफा जीत हासिल कर लेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। ये सारी बातें प्रशांत किशोर ने कह रखी है एग्जिट पोल आने से पहले। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था, आप सब जानते हैं। फिलहाल तीन सर्वे में बीजेपी को, तीन एग्जिट पोल्स में बीजेपी प्लस को यानी एनडीए को 400 या उससे ज्यादा की सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी सरकार अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार बंपर जीत के साथ इस देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करती हुई दिखाई पड़ेगी। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी जबकि एनडीए की संख्या 353 थी। वहीं कांग्रेस को 53 सीट और उसके सहयोगियों को 38 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान का प्रबंधन करने वाले प्रशांत किशोर लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि बीजेपी इस बार 300 या उससे अधिक सीटें जीत सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी 370 नहीं जीत रही लेकिन 270 से कम भी नहीं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 2019 की तुलना में कमजोर नहीं पड़ेगा, मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगा जैसी तस्वीर उस वक्त थी। प्रशांत किशोर ने इसके पीछे तर्क देखते हुए कहा था कि हमें बुनियादी बातों पर गौर करना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार या उसके नेता के खिलाफ गुस्सा संभावना ऐसी होती तो विकल्प न होने के बावजूद लोग वोट देने का फैसला कर सकते थे। अभी तक हमने पीएम मोदी के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश कहीं नहीं देखा, कुछ निराशाएं नहीं देखी, अधूरी आकांक्षाएं नहीं देखी। ये सब हो जरूर सकती हैं लेकिन व्यापक गुस्से के बारे में अभी तक देश के किसी हिस्से में ना देखा गया ना सुना गया। ये बात प्रशांत किशोर ने अपने उन दावों के पक्ष में कही जो वो कहते दिखाई पड़ रहे थे कि 303 सीटें आ रही हैं, 2019 दोहराए जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक के आसपास रह चुकी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने संगठन को बिहार में मजबूती से खड़ा कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लगातार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए यह दावा भी करते रहे हैं कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में वो मजबूती के साथ, बिना किसी सहयोग के साथ जीत दर्ज करते हुए बिहार में अपनी सरकार बनाते नजर आएंगे। अब प्रशांत किशोर के इस दावे में कितना दम है, कितनी रियलिटी है, ये तो खैर विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर उनके जो आकलन है वो कैसे सच साबित होते हैं ये भी परिणाम के दिन पता चलेगा 4 जून को। उससे पहले उन्होंने जमकर एग्जिट पोल्स पर, कुछ पत्रकारों पर, कुछ सोशलिस्ट पर, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर अपना गुस्सा निकाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे
4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर amarujala.com।